वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से एक सफ़ेद आर्ट पेपर के ऊपर ऐसे बुद्ध की मूर्ति ड्राइंग कर ली। अभी मैं इसे कलर करूँगी। कलर करने के लिए मैंने ब्लैक कलर ले ली। मैंने फ्लैट ब्रश ली है, आप चाहे तो राउंड ब्रश भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ज़्यादा पतली ब्रश नहीं है इसलिए मैं अभी टूथपिक के सहारे लेकर ऐसे आई को ड्रॉ कर लूँगी।
सकते हैं मेरा बुद्धा की मूर्ति ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। पहले तो मैंने सोची थी कि मैंने ये पीछे जो साइड है इससे कोई कैनवास पेंट करूँगी, लेकिन अब मैं सोची कि क्यों ना मैं कुछ नेचर की पेंट करूँ, क्योंकि नेचर हमें बुद्धा की तरह ही मन में शांति देती है। इसलिए अभी मैं कुछ नेचर की पेंट बना लूँगी पीछे। अभी इसमें मैंने कुछ बाम्बूस की ट्री ड्रॉ करूंगी। पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी मैं एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस पेंटिंग को चिपका दूंगी अच्छे से। डबल टेप की मदद से इसे वॉल पे हैंग करूंगी। ये वॉल को बिल्कुल भी खराब नहीं करता। मेरी सभी काम हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।